श्रीलंकन वजीर आजम ने भी पाकिस्तान से इंसाफ का मुतालबा कर रखा है। जब आपने उसको मारा है तो इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर देखे तो आप हैरान हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने बहुत सख्त बयान जारी किया है, पाकिस्तान से पूछा है कि उसने क्या किया इंतहा पसंदी को रोकने के लिए। अगर आपने इसका हक इसका फैसला ना किया जल्द अज जल्द दुनिया को ना बताया कि वी आर नॉट रेडी कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच नहीं सकते। फैटफ की आपने 26.5 शर्तें पूरी कर ली। यहाँ सवाल ये है कि क्या हम ये तवक्कोआत पूरी कर सकेंगे? एनबीसी क्या कहेंगे इस वाक़े पर? कि इट्स अ नेशनल शेम फॉर अस, हमारे लिए आज बड़ा शर्म का कौमी शर्म का दिन है। लेकिन कल जो बयान आया वजीर दिफा का, हाँ उनका बच्चे जज्बाती हो गए थे और मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ इसी बातों के ऊपर। अब ये जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं स्टेट की तरफ से आ रहे हैं ये खतरनाक है। एजाज चौधरी साहब जो कुछ कर चुके हैं आपके सामने है, फवाद चौधरी साहब ने जो बहुत टिका के अच्छा बयान दिया है, मैं समझता हूँ वाइस मिनिस्टर है जो इस वक्त एक लॉजिक की बात कर रहे हैं कि हमने जगह जगह टाइम बम लगा रखे हैं जो वक्त वक्त जब फट रहे हैं। और वाकई ये सूरत हाल यही है, अगर आप पूरे 40-50 साल में तलाश कर लें तो टाइम बम फटते रहते और फट रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में बैरोडबल जो मैसेज जा रहा है वो बहुत खतरनाक जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है, उसका रद्दबल भी आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने बहुत सख्त बयान जारी किया है, पाकिस्तान से पूछा है कि उसने क्या किया इंतहा पसंदी को रोकने के लिए। फिर दूसरी बात यह कि हमारे बाज अफराद अगर मगर से बात करते हैं कि अगर ये हो जाता तो ये होता, मगर ये होता तो ये होता, ये कोई जवाब ही नहीं बनता अगर मगर का। खुल के बात करें, खुल के मजम्मत करें, खुल के ला ताल्लुक का इजहार करें और खुल के कहें कि इन्हें कानून के मुताबिक को ट्रायल किया जाए और उनको हीनियस क्राइम के तहत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो हमारे पास मौजूद है मुकदमा चलाया जाए। मेरा ख्याल ये कि मौलाना तकी उस्मानी का बहुत अच्छा बयान था, मुनीब रहमान का बहुत अच्छा बयान था, लेकिन सबसे बुरा बयान हमारे वजीर दिफा का था जो कल आया। और उस बयान ने हमें ये सोचने मजबूर किया कि हुकूमत सोच क्या रही है, हुकूमत की सिमतें क्या हैं, हुकूमत किस तरफ जाना चाहती है। फिर उस बयान के बाद अफवाहें शुरू हो गई, साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल मामला खत्म नहीं हो पाएगा। ये वो कांस्टेबल नहीं है जो लाहौर में शहीद किए गए, ये एक गैर मुल्की बंदा है श्रीलंका का और जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। श्रीलंका से माजरत की हमने, श्रीलंका वाले बड़े दिल के लोग हैं, कभी उनके प्लेयर्स को मारते हैं हम, लाहौर में खड़ा करके उड़ा देते हैं, कभी बस को उड़ा देते हैं उनकी हम, लेकिन वो बेचारे फिर वापस आ जाते हैं हमारे पास। तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को और हुकूमत को अपने आप को क्लियर करना होगा परवेज खटक के बयान के बाद कि उसका रुख क्या है। आज मीटिंग हुई है, नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई है कि नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिवेट किया जाएगा, तो भाई वो डीएक्टिवेट कैसे हो गया था, क्यों उसको रखा गया था सरफखाने में, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, कसूर तो आपका ही है ना। तो ये कसूर और कसूरवार का सिलसिला छोड़े ना, काम करें और मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी सोच लें कि हम किधर कहां जा रहे हैं। जुनेरा बयानात आ रहे हैं, बयानात दे दिए, क्या बयानात देना काफी है अपनी इज्जत अपनी साख बचाने के लिए, हमें क्या करना होगा? आई डोंट नो, हमारे वजीर आजम हर जगह जाके बताते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, पीस का दीन है और हम तो ऐसे नहीं हैं जैसा हमें समझा जाता है और इस्लामोफोबिया ठीक नहीं है और हम एज अ नेशन ये साबित करते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसा हमें समझा जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वाक़े से इतना ट्रॉमा है इस वक्त हर सेंसिटिव बंदे को कि इस पे बात करना काफ़ी नहीं लग रहा, तो ये कोई गलत नहीं होगा। दिस इज़ होम ग्रोन टेररिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म से एक दर्जा आगे चली गई है बात। दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म, दिस इज व्हाट वी हैव टॉट द सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो ब्लास्फेमी के नाम पे अपने मैनेजर को गार्ड मार देगा तो उसके साथ सेल्फीज ले रहे होंगे पुलिस वाले,
कि ये वो सोसाइटी है जहां पुलिस वालों की गन्स में से एमुनेशन निकाल लिया जाएगा कि ये शूट ना कर सकें, और पुलिस वालों को वो डंडे मार मार के कहेंगे कि नारे लगाओ। ये वो सोसाइटी है जहां पे नामूसे रिसालत के नाम पे अपने लिए पॉलिटिकल इलेक्शन या कैंपेनिंग के लिए क्लीन चिट ली जाती है। यहां पे अनपढ़ लोग जिनको अरबिक क्या जिनको उर्दू नहीं बोलनी आती, या ये इन दिस केस प्रियंता को उर्दू नहीं बोलनी आती थी, उनको कह रहे हैं कि आपने इस पोस्टर की तौहीन की है, उसको तो पता ही नहीं था इस पे क्या लिखा हुआ है। और जब उसको बताया कि ये मसला क्या बना है, उसने माफी भी मांगी। तो मतलब इतना हर तरफ से चीजों ने हमें घेरा हुआ है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ने कि आप किस किस एंगल पे बात करेंगे। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम रेस्टोर कर सकते हैं अपना इमेज। आप शर्म की बात करते हैं, क्या हम सिर्फ बैन अल-अक़वामी सतह पर जब शोर मचे और एक गैर मुल्की को मारा जाए तब शर्म आनी चाहिए? हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है, हमें तब शर्म करनी चाहिए कि एक मुआहदा हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, उसको आम करना था, वो अभी तक खुफिया रखा गया है। उन पुलिस एहलकारों के लिए भी शर्म करनी चाहिए जिनको मारा गया था। मेरे लिए ज्यादा पेनफुल है सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, ये एक फॉरनर था, एक वर्कर था, ये बाहर से था, पाकिस्तानी नहीं था। आप तो एक दूसरे को मारते हैं, आपकी तो सोसाइटी टॉलरेंस तो है नहीं है वहां पे, वहां तो आपका तो देखे। लेकिन वहां पे जब श्रीलंका का बंदा जिसका रिलीजन इस्लाम नहीं था, जब आपने उसको मारा है, तो इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी आने वाली नस्लों, इसको एक मिनट के लिए सोचे जरा, इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरे मुंह से पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए, वो इन इमेजेस को कहां कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां कहां रखेगी? आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है? आज जो कुछ हुआ है वो तो तालिबान शर्मिंदा है। मेरे ख्याल में आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जा चुके। एक मिनट के लिए आलिया, मैं ये सोचना मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था जो मैंने एक एक, एक, एक इमेज देखा है कि जिंदा वो जल रहा है इंसान और लोग उसके ऊपर सेल्फी में। और उसके बाद ये मेरे लिए दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं शक्ल से पाकिस्तानी, नाम से पाकिस्तानी, खून से पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को किस तरह वॉशिंगटन डीसी में अपने हलकों में यार डिफेंड करूंगा, मैं इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा, मुझे कन्विंस करें आप। मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैं खुद बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं अपने आप, मैंने अपना हर उमरा जाके मदीना से पहले शुरू किया जाके, मुझे ये बताएं कि मैं इस्लाम को किस तरह प्रोटेक्ट करूंगा वॉशिंगटन डीसी में, किस तरह लोगों को बताऊंगा कि दिस इज व्हाट वी आर। नहीं कर सकते सर, कोई समझ नहीं आता। अब मैं दूसरी साइड में जुडिशियल सिस्टम में बताना चाहूं, जुडिशियल सिस्टम पे तो सब मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, वरना टाइम आपके पास बहुत सख्त, आप बहुत बुरे तरीके से घिर चुके हैं, आपके इंटरनल हालात आपको पता है। खान साहब ने बिल्कुल सही, खान साहब को हर मसला पता है, प्रॉब्लम पता है, हल नहीं मौजूद इनके पास। खान साहब ने खुद कह दिया कि आपकी इकॉनमी इस वक्त नेशनल बन चुकी है, उसके माने बहुत डीप है, बहुत डीप है उसके माने। लेकिन इन हालात में अगर आपने इसका फैसला ना किया जल्द अज जल्द, दुनिया को ना बताया कि वी आर नॉट रेडी, कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच नहीं सकते। फैटफ की आपने 26.5 शर्तें पूरी कर ली हैं, सिर्फ 0.5% जो रह चुकी शर्त, उसके साथ अब 27 और ऐड कर लें इमेजेस के बाद। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मैं देखें आपने, और ये इसको सियालकोट कहा जाता है, ये ओरिजिनली वजीराबाद के पास है, जहां कुछ अरसा पहले बहुत बड़ा धरना था, बहुत बड़ी एक जलसे जुलूस किए गए हैं, और आपने आपकी स्टेट ने पहले घुटने वहां डाले थे। और इसके बाद ये यू हैव टू, जो भी डिसीजन मेकर है, मुझे नजर नहीं आता इस वक्त पाकिस्तान में फैसले कौन कर रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर है उसको डिसीजन लेना होगा, घंटों में नहीं मिनटों में लेना होगा, और क्लैरिफाई करना होगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर गोइंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान और वी आर रेडी टू बिकम सोमालिया। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये जो सब कुछ हुआ है, इसका बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस हो गए। अभी तक आपका इस्लामाबाद इसको सीरियस नहीं ले रहा, ये काबिल मुज़म्मत है। सर वो जो सेम पेज है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो उस सेम पेज पे अब टीएलपी भी है इनके साथ,
तभी तो वो जो जिन्होंने मारा है वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगाकर मारा है, लेकिन हर चीज को कंडेम किया जा रहा है, हालिया लेकिन ये नहीं देखें, कंडेम किया जा रहा है कि ये वहां पे कौन से नारे लगे हैं और कहाँ के लोग हैं। हालिया देखें इन जुल्म क्या हो रहा है, जुल्म ये है कि एक ऐसी पार्टी, तीसरी पार्टी जो आई थी, मैं खुद मुतासरीने पीटीआई हूं क्योंकि मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं कि तब्दीली आए इस मुल्क में, और ये कोई जुर्म नहीं है कि पाकिस्तान अपनी मादर मिल्लत के लिए तब्दीली के बारे में सोचा जाए, मैं खुद मुतासरीन में रहता हूं, लेकिन ये जो कुछ हुआ है सियालकोट में इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान सफर करेगा वॉशिंगटन डीसी में, आप देखेंगे आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस